तो इस फ्लूट का बेसिक जो डायमीटर्स हैं उसके बारे में आज जान लेते हैं। तो इसका बेसिक जो डायमीटर्स है, होल डिस्टेंस है, जितने भी हैं, मैं सारे आप लोगों के साथ इस वीडियो के दौरान शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखते रहें, और इतने ऐसे ही बहुत सारे और भी वीडियोस हैं जो मैं हर रोज़ बनाता हूं आप लोगों के लिए। आप अगर ये चाहते हो कि खुद का फ्लूट, अपना फ्लूट बनाना, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। मैं हर रोज़ 2 से 3 वीडियो बनाता हूँ। तो चले आज का वीडियो देख लेते हैं। तो पहले जो है, एक फ्लूट के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसका जो बेसिक इनर डायमीटर्स है, जो बैम्बू फ्लूट के अंदर जो उसका, यहाँ पर आप देख रहे हो जो हो, जो गैप होता है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका लेंथ। एक सटीक स्केल का फ्लूट बनाने के लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ता है कि आप सही में कौन सा फ्लूट के लिए कौन सा लेंथ का आप एक्चुअली ये जो है ये बैम्बू स्टिक्स सिलेक्ट करते हैं, या आप पीवीसी पाइप से भी फ्लूट बना सकते हैं। तो उसके लिए भी एक ही मेज़रमेंट है, मगर उसका जो ये इनर डायमीटर्स होते हैं, उसका जो आउटसाइड डायमीटर्स होते हैं, उसका गैप थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होता है, उसमें घटाया या ज़्यादा करने का कोई नहीं कर सकते आप। तो इसमें ये फैसिलिटी है कि आप अगर ये ज़्यादा है तो इसे घटा सकते हैं। वो सारे चीज़ को अगर जानना है तो इस चैनल में जाइए, डायरेक्टली जाके आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मैंने जिस वजह से ये वीडियो बनाया है वो आज बेसिक सा कुछ मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, जो आपको हो सकता है आपका जो फ्लूट है वो आप बना सकोगे। तो बेसिकली ये 63 सेंटीमीटर का एक टोटल जो ये है, मैंने इसके पहले जो वीडियो आया उसमें इसका लेंथ दिखाया था। तो आज जो है मैं इसका थोड़ा और डिटेलिंग करता हूँ। तो ये 63 सेंटीमीटर का एक फ्लूट है। तो हालांकि अभी मैं इसके अंदर ना होल करूँगा, क्योंकि ये अभी कंडीशन ये है कि इसके अंदर आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, इसको सूखना है। और भी मैंने इसके ऊपर ऑयलिंग किया है, फिर इसके ऊपर अभी थोड़ा सूखने के बाद इसके ऊपर फिर से पानी या जो भी है मैं इसके ऊपर दूंगा। तो वो सारे वीडियो कैसे करना है, वो सारे वीडियो बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। हो भी सकता है अभी तक आ गया है, आप जाके देख सकते हो चैनल के अंदर, ठीक है। तो ये जो है, मैं अभी मेन काम का जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर आता हूँ। आप यहाँ पर शायद ठीक से देख रहे हो, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो स्केलिंग है। तो हर किसी के पास ही ऐसा स्केल होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे सेम सा आपको मापना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो 1 इंच इसका टोटल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने अभी लिया है। उसके बाद अब थोड़ा क्लोज लेने से आप देखोगे तो आपको एक आइडिया है होगा। देखिए इधर से एक सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर यहाँ से, और थोड़ा यहाँ से जो इनर डायमीटर्स हैं उसका लेंथ भी आपको यहाँ से पता चलने वाला है, ठीक है। आप ये यहाँ पर देख रहे हो कि इसका आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो मैंने इसको इस वजह से टोटल क्लोजली आप लोगों को दिखाया। तो आप ये जो है आखिर तक अगर ठीक से देखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ क्यों लाया हूँ। तो आपको अभी तक तो ये डायमीटर्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम शायद और नहीं है। तो अभी चलते हैं सामने, आप जो